नरेशन के इस वीडियो लेक्चर में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो क्या मेथड होता है, क्या रूल होता है ऐसे डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में चेंज करने का, कन्वर्ट करने का। तो आज के इस वीडियो में आप हर एक रूल के बारे में, हर एक मेथड के बारे में स्टेप बाय स्टेप करके जानने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, देखते हैं कि जो हमारा टॉपिक है कि जब डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो क्या परफेक्ट मेथड होता है ऐसे डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में चेंज करने का। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो अगर आपको नहीं पता है कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे एक स्टेप बना हुआ है इम्परेटिव सेंटेंस का, वहाँ पे आपको इम्परेटिव सेंटेंस का वीडियो मिलेगा। उस वीडियो को देखने के बाद ये पूरी तरह से आप कन्फर्म हो जाएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। फिलहाल अभी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। यहाँ पर देखें, इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में किसी को ऑर्डर दिया गया होता है या किसी को कमांड दिया गया होता है या किसी से रिक्वेस्ट किया गया होता है, प्रार्थना किया गया होता है या किसी को सलाह दिया गया होता है या सुझाव दिया गया होता है कुछ करने या कुछ ना करने के लिए। तो ऐसे सेंटेंस को हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं, ऐसे सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है, वो सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो ये छोटा सा ओवरव्यू था इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो आपको वो वीडियो लेक्चर ज़रूर देखना होगा। चलते हैं हम अपने रूल पर और देखते हैं कि क्या रूल होता है, क्या वो परफेक्ट मेथड होता है जिसके थ्रू हम किसी भी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस होगा तब। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला स्टेप आपको ये बताया गया है कि जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आता है या सेड टू आता है तो आप क्या करते हैं, ऑर्डर्ड या कमांडेड में उसको चेंज कर देते हैं किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में जो आया हुआ इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो। अगर उस सेंटेंस में ऑर्डर या कमांडेड का सेंस आ रहा है तो आप सेड को या सेड टू को किस में चेंज करते हैं, ऑर्डर्ड में या कमांडेड में चेंज करते हैं। लेकिन अगर आपके इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है, किसी से प्रार्थना किया गया होता है ऐसा सेंस आता है तो आप क्या करते हैं, सेड या सेड टू को आप किस में चेंज कर देते हैं, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। और जब आपके इम्परेटिव सेंटेंस में एडवाइस या सजेस्ट का सेंस आता है तो आप क्या करते हैं, सेड को या सेड टू को एडवाइस्ड में या सजेस्टेड में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये स्टेप नंबर वन है। स्टेप नंबर टू क्या कहता है कि आप कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देंगे और अगर आपका इम्परेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा तो आप कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे टू का यूज करेंगे और अगर निगेटिव सेंटेंस में होगा यानी नकारात्मक वाक्य में होगा तो आप क्या करेंगे, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के जगह पे नॉट टू का यूज करेंगे। ये स्टेप नंबर सेकेंड है। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर थर्ड के बारे में कि स्टेप नंबर थर्ड क्या कहता है। तो देखिए, जिस तरह से आपको पिछले कई वीडियो लेक्चर में नरेशन के आपको बताया गया है कि यस ओ एन बाई 1 2 3 ये क्या है। देखिए, जब आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो आप क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देते हैं और अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसको क्या करते हैं, आप ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। और जब आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो वहाँ पे आप कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं, यानी नो चेंजिंग। तो ये स्टेप नंबर थ्री है। और स्टेप नंबर फोर क्या कहता है कि देखिए, जब आपके
इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आएगा तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय प्लीज और काइंडली को क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। यानी डायरेक्ट के सेंटेंस में प्लीज और काइंडली तो होगा, लेकिन इनडायरेक्ट के सेंटेंस में प्लीज और काइंडली का यूज आपको नहीं करना है। चलिए यहाँ पर देखिए, आपके सामने तीन सेंटेंस लिखा गया है। इस तीनों सेंटेंस के थ्रू हम क्या करते हैं, जान लेते हैं कि कैसे ये सभी स्टेप, ये सभी रूल फॉलो किए जाते हैं इस तरह के डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में चेंज करने के लिए। यहाँ पे देखिए, पहला सेंटेंस क्या है, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स गेट आउट फ्रॉम ऑफिस। यहाँ पे देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, सबसे पहला हम स्टेप यहाँ पे फॉलो करते हैं, वो स्टेप क्या है कि सेड को या सेड टू को आप ऑर्डर्ड में या कमांडेड में चेंज करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखिए, गेट आउट फ्रॉम ऑफिस, यानी ये किसने कहा, ये प्रिंसिपल ने कहा, प्रधानाचार्य ने कहा, किससे, छात्रों से कहा। तो जब प्रधानाचार्य छात्र से कहेगा तो वो क्या करेगा, वो ऑर्डर देगा। अब यहाँ पे देखिए, ऑर्डर का सेंस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, ऑर्डर में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और अगर आपका इम्परेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे जैसा आपको बताया गया है। और स्टेप नंबर थ्री क्या है, यस ओ एन बाई 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए, किसी पर्सन का प्रोनाउन आया नहीं है तो यहाँ पे स्टेप नंबर थ्री फॉलो किया नहीं जाएगा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर फोर क्या है कि प्लीज़ और काइंडली का आप यूज करेंगे, तो यहाँ पे प्लीज़ और काइंडली आया नहीं है तो हम यहाँ पे स्टेप नंबर फोर भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब हमको क्या करना होगा, देखिए जो लिखा गया है वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे है उसी तरह से लिख देंगे, गेट आउट फ्रॉम ऑफिस। इस तरह से आप क्या करते हैं, इस तरह के डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में चेंज करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ही सेड टू हिज फ्रेंड, उसके बाद कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज गिव मी अ पेन। यहाँ पे देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज गिव मी अ पेन। जरा इस सेंटेंस को देखिए, प्लीज गिव मी अ पेन, तो प्लीज का यूज कब किया जाता है, जब हम किसी से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे प्लीज और काइंडली का यूज किया जाता है। तो इस सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है, तो हम सेड टू को किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं। यहाँ पे देखिए, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए टू और नॉट टू का यूज़ किया जाता है। तो ये सेंटेंस देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में है, तो यहाँ पे हम नॉट टू नहीं बल्कि टू का यूज़ करेंगे। उसके बाद अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर थ्री के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, स्टेप नंबर थ्री अभी फॉलो किया जाएगा, उससे पहले स्टेप नंबर फोर फॉलो यहाँ पे किया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लीज़ का सेंस आ रहा है, तो प्लीज़ को हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। उसके बाद जैसे है उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे गिव। अब यहाँ पे देखिए, मी क्या है, मी ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही, और यहाँ पे ही का कौन सा केस यूज किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। यहाँ पे आपने क्या किया, मी को हिम में चेंज कर दिया। उसके बाद आ पेन, इस तरह से आप क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस के बारे में। यहाँ पे देखें, नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस क्या है, सचिन सेड टू सीता, उसके बाद कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। यहाँ पे देखें ये सेंटेंस,
टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, इस सेंटेंस में क्या किया जा रहा है। देखिए इस सेंटेंस में एडवाइस दिया जा रहा है, यानी किसी को सलाह दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है कुछ करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सेड टू को चेंज करेंगे एडवाइज्ड में या सजेस्टेड में। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सचिन, सचिन एडवाइज्ड, एडवाइज्ड सीता, सीता। उसके बाद यहाँ पे देखें ये अफर्मेटिव में है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे, टू। उसके बाद टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, जैसे कहा है उसी तरह से हम क्या कर देंगे, लिख देंगे टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। यहाँ पे देखिए अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में ना होके बल्कि नेगेटिव में होता, नकारात्मक वाक्य होता, तो जहाँ जहाँ पे आपने टू का यूज किया है ना, वहाँ वहाँ पे आप क्या करते हैं, नॉट टू का यूज करते हैं, तो वो सेंटेंस आपका क्लियर हो जाता। अच्छा देखिए कहीं कहीं पे इम्परेटिव सेंटेंस में डू का यूज कर दिया जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, इसके पहले क्या होगा, यहाँ पे डू टेक, डू टेक, डू का यूज क्यों किया जाता है, बहुत इम्फेसाइज तरीके से जब सेंटेंस को कहा जाता है, बहुत जोर देके जब सेंटेंस को कहा जाता है तो वहाँ पे डू का यूज कर दिया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में चेंज करेंगे, देखिए आपको करना कुछ नहीं है, वहाँ पे आप डू को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, जैसे आप प्लीज और काइंडली को करते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं रहेगा, डू को आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और जैसे आपको सभी रूल बताया गया है उसको आप स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जब आपके डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो आप कैसे इस तरह के डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में चेंज करेंगे। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के लिए।